हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जी हां दोस्तों, मैं यदुनंदन शर्मा और आज 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और आज हम यही जानेंगे कि आखिर कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। पिछले 22 सालों से कारगिल विजय दिवस भारत में मनाया जाता है और ये कारगिल विजय दिवस ही भारत के सैनिकों का शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह के खिलाकर भारत का विजय परचम लहराया था। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन साथ में दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो कृपया कमेंट जरूर करें। कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत के 22 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न का आगाज हो चुका है। कारगिल विजय दिवस इस युद्ध में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल मनाया जाता है। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की ऊंची चोटियों पर हुई, जिसकी शुरुआत पाकिस्तानी सैनिकों ने की थी। इन्होंने भारतीय हिस्से में घुसपैठ कर अपने ठिकाने बना लिए थे, लेकिन आखिर में भारत ने इन्हें खदेड़ दिया। कारगिल विजय दिवस का आयोजन हर साल 26 जुलाई को किया जाता है। ये वही दिन है जब भारतीय सैनिकों ने कारगिल में अपनी सभी चौकियों को वापस पा लिया था, जिन पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया था, जिसके बाद से हर साल लड़ाई में शहीद हुए जवानों को इस दिन याद किया जाता है। यह लड़ाई जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में साल 1999 में मई से जुलाई के बीच हुई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जानकारी दिए बिना तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ करवाई थी। लड़ाई की शुरुआत उस समय हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। घुसपैठियों ने खुद को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया, जिससे उन्हें संघर्ष की शुरुआत के दौरान रणनीतिक तौर पर लाभ भी मिला। स्थानीय चरवाओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ वाले सभी स्थानों का पता लगाया और फिर ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। शुरुआत में बेशक अधिक ऊंचाई पर होने के कारण पाकिस्तान की सेना को फायदा मिल रहा था, लेकिन इससे भी भारतीय सैनिकों का मनोबल कम नहीं हुआ और आखिर में उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। सेना ने फिर 26 जुलाई 1999 को घोषणा करते हुए बताया कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उसी दिन के बाद से हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत के लिए ये जीत काफी महंगी भी साबित हुई। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 350 से 450 सैनिक मारे गए थे। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने इसमें किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार कर दिया और कहा कि भारत कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ रहा था। हालांकि युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को बाद में पाकिस्तान ने सम्मानित किया। इन्हें हार मिलने के बाद मेडल से नवाजा गया, जिससे पाकिस्तान का दावा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ साबित हो गया। वहीं भारत ने कारगिल युद्ध के बाद रक्षा क्षेत्र में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने का फैसला लिया था। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कई जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स के सैनिक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया, तो वहीं प्रथम बटालियन 11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। 17 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नायर को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 18 ग्रेनेडियर के मेजर राजेश सिंह अधिकारी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था।
11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफ उद्दीन को मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया, तो वहीं वन बिहार रेजिमेंट के मरियप्पन सरवन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कैसा लगा ये वीडियो, कारगिल विजय दिवस के बारे में जानकर आपको कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट के द्वारा हमें ये बताएंगे ताकि हम हमारे वीडियो के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको सुधार सकें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन साथ में दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।